गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है बुद्धिस्ट केव्स के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एएसआई, उन्होंने जो है बुद्धिस्ट केव जो है बांधवगढ़ फॉरेस्ट में फाइंड की हैं। तो जो ये जो बांधवगढ़ है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, तो उस वजह से ये जो आपकी जो न्यूज़ हो जाती है ये नेशनल इंपॉर्टेंस, उसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर और उसी के साथ जो आपका इन्वायरमेंट है वो तीनों से रिलेटेड है। तो इस वजह से आज की जो हमारी क्लास होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें किस तरीके के जो आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये जो है चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि एएसआई जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिस्कवर की हैं बुद्धिस्ट केव्स और स्तूपास। कहाँ पे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो आपसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, या कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग्स क्या है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने वहां पे क्या क्या फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले मिली है वहां पे बुद्धिस्ट केव। 26 बुद्धिस्ट केव्स जो है वहां पे डिस्कवर की गई हैं, जिनकी जो डेट है वो माना जा रहा है कि वो सेकेंड से लेके 5th सेंचुरी तक की के टाइम पे ये केव्स जो है वो बनाई गई होंगी। मतलब इतनी पुरानी केव्स जो है वो यहाँ पे पाई गई हैं। पर्टेनिंग टू महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में आपको पता है कि जो सेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स में जो बुद्धिज्म था वो आगे चल के डिवाइड हो जाता है, महायाना, हीनयाना, ठीक है। तो उस तरीके से आपका ये जो है महायाना सेक्ट से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, द केव्स एंड सम ऑफ देयर रिमेन्स हैड चैत्याज। उसके अलावा आप सब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चैत्या और विहारा के बीच में डिफरेंस बताइएगा। इसके ऊपर भी जो आपकी जो पीपीएससी है और यूपीएससी दोनों इसके ऊपर सवाल पूछ चुके हैं कि चैत्याज क्या होते हैं और विहाराज क्या होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आप गूगल करके आप ये जो कमेंट बॉक्स है वहां पे मैंशन कर दीजिएगा। एंड स्टोन बेड्स, चैत्याज राउंडेड डोर्स एंड स्टोन बेड्स टिपिकल ऑफ महायाना बुद्धिज्म साइट्स, ये वहां पे फाइंड आउट किए गए हैं। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वहां पे 24 इंस्क्रिप्शंस इन ब्रह्मी टेक्स्ट। कौन से टेक्स्ट में मिली हैं? ब्रह्मी टेक्स्ट। ऑल डेटेड बैक टू 2nd to 5th सेंचुरी। तो जो आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी केव्स जो है वो वहां पे डिस्कवर हुई हैं, तो 26 केव्स हुई हैं। कितनी डेट तक की वो केव्स जो हैं वो मानी जा रही हैं? वो 2nd से 5th सेंचुरी तक की हैं। कौन से सेक्ट से बिलोंग करती हैं वो केव्स? महायाना सेक्ट से, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंस्क्रिप्शन मिली है कितनी तरह की मिली है? 24 इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिनकी जो डेट है वो भी उतनी है, ठीक है। जब केव्स बनी होगी उसी के बाद ही उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन की गई होगी ना, तो उसी वजह से 2nd से 5th सेंचुरी तक की जो 24 इंस्क्रिप्शंस जो है किस टेक्स्ट में की गई है? ब्रह्मी टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन मेंशंस सिटीज सच एज मथुरा, कौशंबी, पतावा, विजय भद्रा एंड देन सप्ताना, अरिका, ठीक है। तो ये इन सिटीज के बारे में वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं इन सिटीज के बारे में मेंशन करती हैं। उसके अलावा द किंग्स दे मेंशन इंक्लूडेड भीमसेना, पोतासिरी एंड देन भट्टादेवा, इन किंग्स की वो बात करती हैं। उसके अलावा टेम्पल्स के रिमेन्स वहां पे मिले हैं, द रिमेन्स ऑफ 26 टेम्पल्स डेटिंग टू द कलाचुरी पीरियड बिटवीन 9th to 11th सेंचुरी एंड द पॉसिबल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर, ठीक है। वारा अवतार जो है ना भगवान विष्णु का, उनका जो स्कल्पचर है वो भी वहां पे पाया गया है। ऑल्सो डेटिंग टू द सेम पीरियड वर फाउंड, ठीक है। उसी पीरियड के बीच का वहां पे 9th से 10th सेंचुरी के बीच का जो वारा स्कल्पचर है वो वहां पे पाया गया है। द कालाचुरी डायनेस्टी विच स्प्रेड ओवर द पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अर्लियस्ट एलोरा एंड एलिफेंटिया केव्स मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो कालाचुरी जो डायनेस्टी है ये एसोसिएट किया जाता है इसको एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स के साथ। द वारास कल्चर इज अमंग द मैनी मोनोलिथिक स्कल्पचर्स ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। मोनोलिथिक जो होता है मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनाया हुआ स्कल्पचर, ठीक है। तो कुछ स्कल्पचर होते हैं जिनको अलग अलग पत्थरों से मिलकर बनाया जाता है और कुछ स्कल्पचर होते हैं जो मोनोलिथिक होते हैं, यानी कि एक ही पत्थर को कुरेद के उससे स्कल्पचर बनाया जाता है। तो ये जो वारा स्कल्पचर है जो वहां पे फाउंड हुआ है वो मोनोलिथिक स्कल्पचर है और साथ ही में वो 10 इनकारनेशन ऑफ में से एक इनकारनेशन है वारा, तो उसी का जो है वो मोनोलिथिक स्कल्पचर जो है वो फाउंड किया गया है। 2 शिवा मठ्स हैव आल्सो बीन फाउंड, 2 शिवा मठ जो है वो भी वहां पे फाउंड किए गए हैं। उसके अलावा रिमेन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, सम रिमेन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर सच एज डोर जाम्स एंड कार्विंग्स इन द केव्स हैव बीन फाउंड। तो जिससे ये पता चलता है कि ये जो यहाँ पे जो थी गुप्ता पीरियड के जो स्कल्पचर जो फाउंड किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो केव्स जो है ये मिली हैं ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाई गई होंगी, ठीक है। तो हमें गुप्ता पीरियड का पता है तो उन चीजों से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो वहां पे जो पीरियड मेंशन किया गया है 2nd से 5th सेंचुरी का पीरियड, इसी वजह से वहां पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। अब क्योंकि इस टाइगर रिजर्व की वजह से ये जो आपका करंट अफेयर है ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। इन 1968 इट वाज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क, 1968 में इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर एट द नेबरिंग पानपथा सेंचुरी, ठीक है। तो इसके साथ में सेंचुरी कौन सी लगती है, पानपथा सेंचुरी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं टाइगर रिजर्व का, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। Its mention can be found in the ancient books. Ancient books में इस टाइगर रिजर्व के बांधवगढ़ के मेंशन जो है वो पाए जाते हैं। कहाँ पे, नारद पंचतंत्रा में पाए जाते हैं, उसके अलावा शिव पुराण में पाए जाते हैं और उसी के साथ ये जो जगह है इसको एसोसिएट करके देखा जाता है रामायण के साथ। द बांधवगढ़ फोर्ट इज ग्रेट मास्टरपीस ऑफ त्रेतायुग, त्रेतायुग का ये एक ग्रेट मास्टरपीस है बांधवगढ़ का किला, वन ऑफ द एजेस ऑफ मैनकाइंड इन हिंदुइज्म। It was ruled by major dynasties including Sengars, Kalachuris and the Baghels. Believed Baghels जो है इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक इस जगह पे रूल किया था मध्य प्रदेश वाले एरिया में। उसके अलावा इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। इट रिसाइड्स इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नॉर्थ एक्सट्रीम बॉर्डर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे ये जो है एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे ये जो है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वहां पे लोकेटेड है। एंड नॉर्दर्न एजेस ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज, और जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसके नॉर्दर्न एजेस पे पाया जाता है। क्लाइमेट देख लेते हैं, वहां पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक जोन जो है, मतलब ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट जो है वहां पे पाया जाता है। उसके अलावा स्ट्रीम्स देख लेते हैं। द होल पार्क इज फिल्ड विद मोर देन 20 स्ट्रीम्स होती हैं छोटी छोटी नदियां, आउट ऑफ विच सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स आर जोहिला, जानंद, चरण गंगा, दामनार, बानबी, देन अबनाला, उसके अलावा अधियारी। एंड दीज स्ट्रीम्स कैन मर्ज इनटू सोन रिवर, ये सारी सोन रिवर में मर्ज कर जाती हैं। एंड इंपॉर्टेंट सदर्न टेरिटरी ऑफ गंगा, जो कि एक गंगा की सदर्न टेरिटरी है, ठीक है। गंगा की सदर्न टेरिटरी है सोन रिवर, और सोन रिवर ये सारी स्ट्रीम्स जो है आगे जाके सोन रिवर में मिल जाती है और सोन रिवर आगे जाके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी में बांधवगढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कोर जोन एंड देयर आर मोर देन 22 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज जो है वहां पे यहाँ पे पाई जाती हैं, एशियाटिक जैकॉल, देन बंगाल फॉक्स, स्लॉथ पियर, स्ट्राइप्ड हाइनास, देन लेपर्ड, टाइगर, वाइल्ड पिग्स, नील गाय, चिंकारा एंड गौड़। गौड़ जो होता है हर्बीवोर होता है और उसके अलावा ये होता है कोर्स फीडर होता है ये, ठीक है। ये आप जगह देख सकते हो, ये इसके जो हमारा जो टाइगर रिजर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं बांधवगढ़ की, ये है आपका, ये रहा लोकेशन इसकी, यहाँ पे ये रही, ये लोकेशन है बांधवगढ़ की, ठीक है। उसके अलावा अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो चीजें उनकी खोज करता है, ठीक है, तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, हमारे देश की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। द एडमिनिस्ट्रेटर्स मोर देन 3,650 एशियन मॉन्यूमेंट्स, ये अब तक जो है ऑलमोस्ट 3600 एशियन मॉन्यूमेंट्स को जो है ये एडमिनिस्टर कर चुका है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी आती हैं और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। Its activities include carrying out surveys of antiquarian remains, exploration and excavation of archaeological sites, conservation and maintenance of protected monuments, etc. It was founded in 1861. 1861 में सबसे पहले इसको found किया गया by Alexander Cunningham, और वही जो इसके पहले डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। इसी वजह से इनको जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पैरा है ना, सिर्फ इतना सा पैरा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार सवाल आ चुके हैं कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किनको कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है इसको कब फाउंड किया गया था, इसको फाउंड किया गया था 1861 में। उसके अलावा इसके पहले डायरेक्टर कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। फाउंड किनके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ये जो इंसान है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर सवाल जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस जो कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे 2 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक